हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं द्वेल और आप देख रहे हैं डियर इन्फॉर्मेशन चैनल। ईमेल आईडी का नंबर चेंज करना चाहता है तो ये वीडियो आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आज आपको दिखाने वाला ईमेल आईडी का नंबर चेंज करने का बहुत ही आसान तरीका। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक ऐप का जरूरत पड़ेगा, उस ऐप का माध्यम से आपका ईमेल आईडी का नंबर बहुत ही आसान से चेंज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। दिखा तो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं गूगल प्ले स्टोर में चला जाता हूँ। गूगल प्ले स्टोर में जाके एक ऐप डाउनलोड करके आप उस ऐप की मदद से बहुत ही आसान से आप ईमेल आईडी का नंबर चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऊपर में सर्च बार में लिखना होगा ICA स्मार्ट ऐप। जैसे लिखेगा उसके बाद आपको इस तरह आपको दिखाई देगा आइकॉन, इसको आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है। तो मैं जैसे करता हूँ वैसे आप फॉलो करेगा तो आपको बहुत ही आसान से आपका ईमेल आईडी का नंबर एक मिनट के अंदर ही अपडेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको दिखाई देगा इस तरह ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको पहले बार जब ओपन करेगा तो आपको इंग्लिश और अरबिक दिखाई देगा, तो आपको इंग्लिश में क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको इस तरह इंटरफेस दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, इसका नीचे दिखाई देता होगा फ्रेंड्स अपडेट इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपको इस तरह आपको दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। तो इस तरह जैसे ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद आपको दिखाई देता होगा ओपन ऊपर में करेंट नेशनलिटी, जो आपको नेशनलिटी है पासपोर्ट में है वही देना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको आपका जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, जिधर का पासपोर्ट में जो लिखा है उस वही देना होगा। तो मैंने नेशनलिटी पाकिस्तान लिखा है तो पाकिस्तान दे देता हूँ। तो फिर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो पाकिस्तान हो जाएगा। उसके बाद आपको वीसा या रेसिडेंसी में कौन सा है तो आपको यही रहना देगा तो अच्छा है। उसके बाद आपको फाइल में क्लिक करना होगा ईमेल आईडी से, वो कभी कभी नहीं होता है तो फाइल में आपको पक्का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, फाइल का ऊपर फाइल नंबर जो है दिखाई देता है, इसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसका ऊपर दिखाई देगा फ्रेंड्स। उसको नीचे जो दिखाई देगा थ्री पार्ट्स में क्लिक करना होगा। थ्री पार्ट्स के ऊपर क्लिक करेगा तो आपको मैं इसका नीचे फ्रेंड्स आपको वीसा का नंबर और पूरा जो लाइन मार्क है वो देना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं साइड में दिखा देता हूँ कैसा आपका वीसा में नंबर होता है, यही आपको इधर टाइप करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं देख सकते हैं फाइल नंबर में पूरा एंटर कर दिया। तो आप आपका जो फाइल नंबर है वो मैं साइड में दे देता हूँ कैसा फाइल नंबर होता है, ये पूरा एंटर करना होगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको नीचे दिखाई देता होगा पासपोर्ट नेम, इंग्लिश में लिखेगा पासपोर्ट में जो नेम है सेम आपको इसमें टाइप करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं जैसे टाइप कर दिया उसके बाद आपको नीचे दिखाई देता है, बोलता है कि अरबिक में भी नाम चाहिए। तो आपको जैसे इंग्लिश में लिखेगा उसके बाद ऑटोमेटिक अरबिक में हो जाएगा। तो उसके बाद आपको पासपोर्ट देना होगा नीचे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ और लास्ट एंट्री डेट जो आप UAE में एंट्री हुआ लास्ट डेट में वो जो है वो पूरा इसमें लिख देना होगा। तो फ्रेंड्स मैं फटाफट लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और लास्ट एंट्री डेट और एक ईमेल नंबर दे दिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट में क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट में जैसे क्लिक करेगा तो फ्रेंड्स आपको दूसरा एक पेज ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपको दिखाई देगा। तो आपको दिखाई देता जो नंबर ऐड है पहले से वो पहले दिखाई देगा। उसके बाद जो न्यू नंबर ऐड करना चाहता है तो नीचे आपको इसमें आपको न्यू नंबर डालना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं पूरा न्यू नंबर में डाल दिया। उसके बाद जैसे सेंड वो वन टाइम पासवर्ड में क्लिक करेगा तो आपके मोबाइल में एक पासवर्ड आ जाएगा, वो पासवर्ड इसमें डालना होगा। तो मैं क्लिक कर दिया फ्रेंड्स। उसके बाद एक OTP कोड आएगा, वो इधर में डाल के मैं नेक्स्ट में क्लिक करेगा। तो मैं OTP डाल दिया। उसके बाद जैसे नेक्स्ट में क्लिक करेगा तो एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दूसरा एक पेज ओपन हो गया। तो फ्रेंड्स, OTP वैलिड हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स अभी दूसरा एक पेज ओपन होगा। तो फ्रेंड्स, दूसरा पेज एक ओपन हो गया। उसके बाद आपको इसमें नो का क्लिक करना होगा, एडिट नहीं करने का आपको एड्रेस। उसके बाद जैसे क्लिक करें नेक्स्ट में, नेक्स्ट के क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको, तो फ्रेंड्स इस तरह आपको दिखाई देगा। तो आप जो पहले डाला वही इन्फॉर्मेशन इधर है, वो सही से है कि नहीं चेक करने का एक बार। तो फ्रेंड्स, आपको जो मोबाइल नंबर है मेरा ओल्ड नंबर है ऊपर वाला, जो मैं नीचे वाला दिखता है फ्रेंड्स वो वाला अभी नया डाला है। तो मैं मेरा नीचे जो डाला वही मेरे को चाहिए, तो अभी वो अपडेट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट में क्लिक करना होगा फ्रेंड्स।
तो नेक्स्ट में जैसे क्लिक करेगा तो फ्रेंड्स आपको दिखाई देता है ये सर्विस 24 एंड आईसीए फीस 22 रुपया 22, टोटल आपको 51 पे करना होगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको इसमें टिक चिन्ह कर एग्री करना होगा। एग्री करने के बाद आपको क्रेडिट कार्ड इसमें आपको क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स जैसे एग्री में जैसे क्लिक करेगा फ्रेंड्स उसके बाद आपको नीचे पे करने का ऑप्शन आ जाएगा, 52 दिरहम आपको पे करना होगा। फ्रेंड्स जैसे आपको पे में क्लिक करेगा तो और एक दूसरा पेज में आपको ले जाएगा। जैसे आपको दूसरा पेज में ले जाएगा तो आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको पे जाएगा दूसरा, तो उसके बाद भी आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आपको इस तरह आपको दिखाई देगा। तो कार्ड टाइप आपको कौन सा कार्ड है, वीसा है या मास्टर कार्ड है, तो मेरा वीसा कार्ड है तो वीसा में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको कार्ड नंबर और मंथ एक्सपायर ईयर, उसके बाद आपको नीचे CVN नंबर, उसको कार्ड का पीछे नंबर रहता है, 3 नंबर रहता है वो इधर डालना होगा। तो उसके बाद आपको जैसे पे करेगा तो आपको पेमेंट हो जाएगा और जो मोबाइल नंबर अभी दिया वो अभी अपडेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं अभी इसको मैं फिलअप कर देता हूँ। सबसे पहले कार्ड नंबर दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं पूरा फिल कर दिया। अभी इसको अभी जैसे नीचे पे लिखा है पे के ऊपर जैसे क्लिक करेगा तो आपको पेमेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं पे में क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या होता है। तो सेव करता हूँ, नहीं सेव नहीं करेगा कभी, नो थैंक्स में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स एक OTP आएगा मोबाइल में जो रजिस्टर नंबर में, उसमें आपको OTP डालना होगा। तो फ्रेंड्स मेरा अभी पूरा पैसा काट लिया मेरा बैंक से, मेरा पूरा अपडेट हो गया। अभी मैं चेक इन करेगा थोड़ा देर के बाद कैसा मेरा नंबर अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। तो इस फ्रेंड्स इस तरह आप अपडेट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलेगा दूसरा एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।